दोस्तों प्रज्वल रेवन्ना जिनके ऊपर हजारों महिला का यौन उत्पीड़न करने का और उसका वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप लगा है, उन्होंने देश छोड़ दिया है और जर्मनी चल गए हैं। और इसको लेकर कर्नाटका में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, महिलाएं सड़कों पे उतरी हुई है, पुतले जलाए जा रहे हैं और भारी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूं कि कर्नाटका में किस तरीके से भूचाल आया हुआ है इस खबर को लेकर और किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके बाद आपको आगे बताऊंगा कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर हजार से भी ज्यादा यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है और उनका वीडियो बनाने का आरोप लगा है। और इसको लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है। लेकिन आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो कर्नाटक में इस वक्त सामने आ रहा है कर्नाटक से और किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो वीडियो देख लिया आपने कर्नाटका में, इसको लेकर यूं समझ लीजिए कि भूचाल सा आया हुआ है और कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। महिलाएं अब खुलकर सामने आ रही है और शिकायत दर्ज कर रही है जिन महिलाओं के साथ ये सब कुछ हुआ है। अब मैं आपको बताने वाला हूं इस खबर को लेकर द मिंट ने क्या कुछ छापा है, वो आपके स्क्रीन पर। द मिंट ने छापा है रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री जेडीएस प्रमुख एचडी गौड़ा के पोते है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने लोकसभा चुनाव के लिए हसन संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारा है। रेवन्ना हसन लोकसभा क्षेत्र से जेडीएस के मौजूदा सांसद है। प्रज्वल पे क्या आरोप लगा है? कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया है कि अश्लील वीडियो से भरा एक पेन ड्राइव से पता चला है कि सांसद और एनडीए के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना ने हजारों महिला का यौन उत्पीड़न किया और उन्हें उनके आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। यह द मिंट ने छापा है। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से लोग अब इस खबर को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो गए हैं और लिख रहे हैं। लिखा गया कि संदेश खाली को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, संदेश खाली में जो कुछ हुआ था वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में, लेकिन आज देखिए इतना बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एनडीए के एमपी जो इस मामले में इन्वॉल्व है और वो देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन आज मीडिया में सुई पटक सन्नाटा है। मीडिया इस पे खामोश है, मीडिया कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आप देखिए सिद्धारमैया जो कि कर्नाटका के सीएम है, उन्होंने लिखा है द गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू फॉर्म अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन कनेक्शन विद प्रज्वल रेवन्ना ऑब्सीन वीडियो केस। इस पे एक स्पेशल टीम जो है उसका गठन किया जाएगा एसआईटी का, और उसके बाद पता चलेगा कि जो ये 2000 या 2600 वीडियो बताए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है और कथित तौर पर बताया जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना है उस वीडियो में, प्रज्वल रेवन्ना है कथित तौर पर। जब तक ये एसआईटी इसको कंफर्म नहीं करती है, जांच में सामने नहीं आता, तब तक नहीं बताया जा सकता है। वहीं पर इनका तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर जिसके चेहरे पे गोला लगा हुआ, यही है प्रज्वल रेवन्ना। और बताया जा रहा है कि ये कंट्री छोड़कर भाग चुका है, जर्मनी जा चुका है। लेकिन अब देखिए कि जब इसको लेकर एसआईटी का गठन होगा और उसके बाद जब इस वीडियो के बारे में जांच होगी तो क्या सामने आता है। लेकिन फिलहाल जो खबर थी वो मैंने आपको बताई है कि इसको लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। लेकिन आप अपनी राय इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।